सकते हैं, यहाँ पे आपको सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है, अचानक से ब्रेक ब्रेक लगता है तो आप इधर जाके मेटल पे नहीं सटेंगे, तो जिससे कि आपके जो फ्यूचर है वो सेफ रहेगा एकदम, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं क्योंकि गद्दा है यहाँ पे भी बढ़िया। तो दोस्तों स्वागत है आपके एक नए वीडियो में। तो भाई आज हमारे पास में है पल्सर N125 भाई, और ये है एकदम बेस वेरिएंट, लेकिन मेरे को कलर बहुत बढ़िया लग रहा था इसलिए मैं आप लोगों के लिए ले आया। और भाई ऐसी कुछ जो इसकी बेसिक सी जो है की मिलती है आपको, ठीक है, बाइक आपको कुछ ऐसी लगती है, यहाँ पे चलो की लगा देते हैं। चलो एक बार इसकी साइड प्रोफाइल से बात करते हैं दोस्तों। ये है ऑल न्यू 2024 भाई पल्सर N125, वैसे 2025 बोली जाएगी क्योंकि ये 24 में बस लॉन्च हुई है, लेकिन जो मॉडल जो कॉन्सेप्ट है भाई इसका वो 2025 वाला है। ये है पल्सर N125 का एकदम बेस वेरिएंट, कलर का नाम है इसका पर्ल मेटालिक व्हाइट। तो बाकी साइड से कुछ आपको प्रोफाइल ऐसी मिलती है। चलो सबसे पहले शुरू करते हैं भाई इसके फ्रंट प्रोफाइल से। तो भाई फ्रंट में आपको यहाँ पे छोटा सा एक कॉल मिल जाता है, यहाँ पे जो आपको मिल जाती है ऐसी डुअल सेटअप का LED हेडलैम्प, ठीक है, यहाँ पे स्प्लिट आपको LED हेडलैम्प मिल जाता है। साइड में जो आपके बहुत प्यारे से जो काउल मिल जाते हैं आप चेक कर सकते हैं भाई, और यहाँ पे जो ग्राफिक्स है वो बहुत प्यारे लग रहे हैं, मतलब कि ये एकदम इंस्पायर जैसे ड्यूक वगैरह में नहीं आता था 390 वगैरह में साइड में काउल आता है, बिल्कुल उसी तरह से जो डिज़ाइन बनाया गया, मतलब लेकिन बहुत प्यारा लग रहा है। और ये जो डिज़ाइन है भाई वो थोड़ा सा एडवेंचर और कम्यूटर का दोनों का मिक्स करके बनाया है, मतलब कि गाड़ी नॉर्मल ही है बट आपको लगती है ऐसे कि एडवेंचर बाइक हो, थोड़ी सी हाइट भी आगे से लगती है आपको। यहाँ पे आपका नंबर प्लेट के लिए अमाउंट मिल जाता है, ये आपको जो आपके फ्रीडम में इंडिकेटर आते हैं हेलोजन आपको इंडिकेटर मिल जाते हैं, फ्लेक्सिबल नहीं है, फ्लेक्सिबल होते तो और बेटर हो जाता है, बट ये टूटेंगे नहीं क्योंकि हैंडल जो प्रोटेक्ट कर लेगा। बाकी फ्रंट फेंडर की बात करते हैं भाई, फ्रंट फेंडर में आपको यहाँ पे जो है एक्स्ट्रा फिन मोटो जीपी टाइप के फिन्स मिल जाते हैं दोनों अलग से, और बीच में फेंडर जो एकदम ब्लैक कलर का मिल जाता है, ये कलर के अकॉर्डिंग आपको चेंज मिल जाते हैं अलग अलग। बाकी सस्पेंशन पे आपको जो है बढ़िया सा मोटा सा कवर मिल जाता है, वैसे ही सस्पेंशन जो है टेलीस्कोपिक है बट इस पर आपको जो है सस्पेंशन कवर मिल जाता है, जिसकी वजह से थोड़ी सी फ्रंट प्रोफाइल जो हैवी लगती है, बल्की लगती है फ्रंट प्रोफाइल। बाकी यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे भी जो है एक ग्रिल वगैरह दे दिए जिससे कि इंजन के वेंट के लिए कि इंजन की जो हवा है डायरेक्ट इंजन पर जाए बढ़िया से, और इंजन जो है कूल रहे क्योंकि इसमें एयर कूल्ड इंजन आता है, लिक्विड कूल ऑयल कूल इंजन नहीं आता है, ठीक है। बाकी भाई फ्रंट प्रोफाइल की बात कर लेते हैं, फ्रंट प्रोफाइल में जो है आपको बेस वेरिएंट में सीएट का 1817 सेक्शन का टायर मिल जाता है, ABC इसमें आपको नहीं मिलता, 240 mm की आपको डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, ठीक है। और ये जो है जैसे CBS टेक्नोलॉजी होती है उसी टेक्नोलॉजी के साथ आती है, मतलब कि पीछे वाला पैडल दबाओगे तो फ्रंट ब्रेक भी आपको जो अप्लाई होगा जिससे कि ब्रेकिंग आपकी अच्छी रहेगी, ठीक है दोस्तों। तो ऐसा कुछ ये फ्रंट से आपको देखने में कुछ ऐसी लगती है, और मेरे को आप कमेंट करके बताओ कि फ्रंट प्रोफाइल के बारे में आपका क्या कहना है, इस हेडलाइट के बारे में आपका क्या कहना है, मेरे को कमेंट करके बताओ। बाकी चलो भाई अभी टंकी की बात करते हैं, तो साइड प्रोफाइल में यहाँ पे आपको जो है पल्सर का 3D एम्बलम मिल जाता है। ये काउल अगर आप टंकी का जो काउल है वो आप ऊपर से चेक करेंगे तो ये N सीरीज की गाड़ी, तो जैसे N250 आती थी N160 आती थी बिल्कुल उसी तरह से दिखेगा आपको ऊपर से, बट साइड से जो पूरी कम्प्लीटली प्रोफाइल जो चेंज हो चुकी है, यहाँ पे ये एक पैनल अलग है और यहाँ पे एक पैनल अलग कर दिया, ये वाला एक पैनल अलग दे दिया, ठीक है। तो ये तीन कलर में जो है बेस वेरिएंट में पैनल बनाया है, यहाँ पे आप बढ़िया से थाई से ग्रिप बना सकते हैं, और यहाँ पे जो है कुछ साइड से ऐसी लगती है, और ये वाला जो लाइन है और ये वाली लाइन दोनों साथ में इतनी बढ़िया से ट्यून कर रही है ना बजाज ने, डिज़ाइन ऐसा किया भाई बहुत ज़्यादा, मतलब कि एक्स्ट्रा शार्प जो होती है ना वो लग रही है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो भाई एकदम शार्प कर दिया, ये आप चेक कर सकते एकदम शार्प कर दिया, मतलब कि गाड़ी में शार्पनेस के मामले में ना भाई 100 एकदम 100 नंबर है, ठीक है। थोड़ा पीछे चलते तो यहाँ पे आपको जो है जो आपका चेसी है, चेसी के ऊपर एक कवर मिल जाता है, यहाँ पे एक टेम्परेरी जो है डिज़ाइन दिया जो कि नट बोल्ट की तरह लगता है बट ऐसा है नहीं, ठीक है, ये फाइबर का है। और यहाँ पे भी जो है पूरा एक ग्रिल टाइप से दे दिया। बाकी पीछे की ग्राफिक्स की हम बात करें, यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिल जाता है भाई N125 बेस वेरिएंट में आपको, और यहाँ पे इसका जो है कलर भी आपको देखने को मिल जाएगा पर्ल मेटालिक व्हाइट साइड सीट कवर अपर, ठीक है, लेफ्ट हैंड। तो ये वाला एक काउल अलग से मिल जाता है बेस वेरिएंट पर, ये वाला जो है अलग से मिल जाता है। बाकी आप प्रोफाइल चेक कर सकते हैं भाई, जो पीछे वाला है ना ये भी एकदम इतना शार्प बनाया, मतलब इस गाड़ी को भाई एक नंबर बना दिया बजाज ने, क्या ही कहूँ मैं। बाकी यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा एक काउल मिल जाता है, और यहाँ पे जगह क्यों है हाथ जाने के लिए मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ से कभी गाड़ी खड़ी रहेगी ट्रैफिक वगैरह में या फिर पार्किंग खड़ी है तो मैं भी कोई हो सकता है इसको तोड़ दे, ठीक है, बट अभी मैं नहीं तोड़ूंगा, बिल्ड क्वालिटी अभी चेक नहीं करने वाला। बाकी यहाँ पे जो ग्राफिक्स आपको कुछ ऐसे देखने को मिल जाते हैं व्हाइट कलर में ब्लैक कलर में, 125 जो पूरा दोनों पैनल पर आता है, ये रेड कलर की स्ट्रिप मिल जाती है। टेल सेक्शन भी आप देखें भाई कितना ज़्यादा शार्प है, टेल सेक्शन साइड से आप देखो कितना शार्प है, जो आपका ग्रैब रेल है वो भी, जो टेल है वो भी पूरा ही शार्प कर दिया भाई। चलो मैं आपको टेल सेक्शन एक बार पीछे दिखाता हूँ, टेल सेक्शन आपको जो पीछे से कुछ ऐसा दिखाई देता है,
ठीक है, अगर आप इसे जलाएंगे तो ऑन करने के बाद जो है आपका टेल सेक्शन कुछ ऐसा लगता है, ये आपका टेल लगता है। बाकी मुझे तो भाई बढ़िया लग रही है, मुझे तो इसमें कोई दिक्कत लग नहीं रही है। ओवरऑल जो आपको गाड़ी ऐसी लगती है कुछ पीछे से, पीछे के सेक्शन की बात करें भाई, पीछे इसमें जो टायर सेक्शन है वो आपको मिल जाता है C8 का ही 197 का पीछे टायर सेक्शन मिल जाता है। पीछे आपको डिस्क ब्रेक देखने को नहीं मिलते, पीछे आपको जो है 130mm का ड्रम ब्रेक देखने को मिलता है। और क्योंकि ये सिंक्रोनाइज टेक्नोलॉजी के साथ आते हैं तो आपको एक नीचे ब्रेक देखने को मिलेगा, एक ऊपर देखने को मिलेगा। बेस वेरिएंट, टॉप वेरिएंट सब में ये जो प्रोसेस है ये देखने को मिलेगा। बाकी इधर आपको नई एकदम स्विंग आर्म मिल जाती है, बॉक्सी स्विंग आर्म मिल जाती है। अंडर बिली इसमें आपको एग्जॉस्ट मिलता है, अभी एग्जॉस्ट का साउंड भी सुनाने वाला हूं आपको, ठीक है। क्योंकि इसका साउंड जो है 125cc के हिसाब से भाई अब तक का बेस्ट साउंड है। बाकी इसमें आपको पीछे एडजस्टेबल जो है मोनोशॉक भी मिल जाता है। इधर जो आपको फुटरेस्ट है वो भी अच्छी क्वालिटी के साथ में मेटल के मिलते हैं, जैसे 390 ड्यूक जनरेशन 2 में आते थे बिल्कुल उसी तरह से मिलते हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट एकदम उसी तरह से हैं। और यहाँ पे आपको सपोर्ट भी मिल जाता है, बाकी इधर आपको जो फुटरेस्ट मिल जाता है ऐसे। और भाई यहाँ पे आपको इसमें जो है किक भी देखने को मिलता है, किक के साथ में, क्योंकि बेस वेरिएंट है इसमें आपको किक के साथ में सेल्फ मिलता है, जबकि टॉप वेरिएंट में टेक्नोलॉजी थोड़ा सा चेंज हो जाती है, किक के साथ आपको ISG देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ आपको जो है इंजन देखने को मिल जाता है, ये इंजन एकदम न्यू बिल्ड किया है पल्सर ने, सेम स्पेशल इस बाइक के लिए भाई ये आपको मिलता है 124.7cc का न्यू इंजन, जो कि आपकी पावर प्रोड्यूस करता है 12 BHP की, और भाई टॉर्क प्रोड्यूस करता है 11 Nm का। मतलब कि ये ड्यूक 125 को छोड़ के या फिर RC 125 को छोड़ के 125 के सेगमेंट में भाई सबसे ज़्यादा पावरफुल बाइक है। बाकी अब तक के मतलब इस सेगमेंट में पावरफुल बाइक रेडर होती थी, बट अभी जो है ये बाइक उसको भी बीट करती है, ठीक है। बाकी आपको ऐसा कुछ इंजन मिल जाता है, ये छोटा सा इंजन पावर प्रोड्यूस करता है बढ़िया, माइलेज देता है ये आपको 55 से 60 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज आपको ईजिली दे देगा बहुत आराम से। बट यहाँ पे आपको जो है इंजन काउल वगैरह देखने को नहीं मिलता है, अगर मिल जाता तो और भी बेटर होता है। बाकी कंपनी जाने ऐसा क्यों किया, यहाँ पे आपको जो साइड में रिफ्लेक्टर भी देखने को मिल जाते हैं। तो ऐसी जो है इस प्रोफाइल से जो है बाइक कुछ ऐसी लगती है। अभी सीट की बात कर लेते भाई, आगे जो है आपको सीट बहुत बड़ी देखने को मिल जाती है, मतलब कि आप यहाँ तक बैठ सकते हैं, यहाँ तक भी बैठ सकते हैं, थोड़ा बड़ा ये जो मोटा सा आदमी होगा वो भी आराम से बैठ सकते हैं। यहाँ पे आपको सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है, अचानक से ब्रेक ब्रेक लगता है तो आप इधर जाके मेटल पे नहीं सटेंगे, तो जिससे कि आपके जो फ्यूचर है वो सेफ रहेगा एकदम, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि गद्दा है यहाँ पे भी बढ़िया। बाकी पीछे आपको स्प्लिट सीट देखने को मिल जाती है, यहाँ पे आपको पल्सर की जो है ब्रांडिंग भी देखने को मिल जाती है, ठीक है। और ये कंप्लीट जो आपका ग्रेविल देखने को मिल जाता है, यहाँ पे आप इसमें छेद दिया, क्योंकि यहाँ पे आप जो सामान वगैरह बांधो आप इसमें आप ऐसे रोल करके बांध सकते हैं, ठीक है। बाकी अब इसके एक बार डैशबोर्ड की बात कर लेते हैं भाई, ऐसा कुछ आपको इसका डैशबोर्ड देखने को मिलता है। मीटर ऑन करते हैं, ऐसे आपको छोटा सा मीटर देखने को मिलता है। अभी मीटर ऑन करते हैं तो मीटर आपको कुछ ऐसा बहुत प्यारा सा मीटर आता है, इसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं है बट हाँ आपकी ज़रूरत के लिए इसमें सारी इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे आपको साइड स्टैंड का इंडिकेटर मिल जाता है, यहाँ पे आपको न्यूट्रल का इंडिकेटर मिल जाता है, ये इंजन की चेक लाइट मिल जाती है, इधर इंडिकेटर, और ये आपका जो हाई बीम का मिल जाता है। और हाई बीम के साथ में देख सकते हैं आप भाई मीटर की लाइट जो जल रही है, ठीक है, हाई बीम के साथ में, जैसे आप हाई बीम जलाएंगे तो मीटर की लाइट जल जाएगी। इधर आपको जो है फ्यूल गेज मिल जाता है, फ्यूल इंडिकेटर मिल जाता है, और यहाँ पे आपके रीडिंग वगैरह आएगी कि 1 किलोमीटर अभी जो है बाइक चली है, क्योंकि नई बाइक एकदम। बाकी अगर स्विच की बात करें तो यहाँ पे आपको जो है हाई बीम लो बीम का स्विच मिल जाता है, यहाँ पे आपको पासिंग लाइट का स्विच मिल जाता है, यहाँ पे आपका इंडिकेटर स्विच मिल जाता है, यहाँ पे आपका हॉर्न मिल जाता है, इधर आपको क्विल स्विच मिल जाता है, इधर आपको जो सेल्फ मिल जाता है, और यहाँ पे जो है आपको एक चार्जिंग USB चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है, जिससे कि आप अपना फ़ोन चार्ज कर सकते हैं, जो कि ज़रूरत की चीज़ है, बहुत बढ़िया काम आएगी आपके, ठीक है। आपका इसका जो है फ्यूल टैंक आपको मिल जाता है इसमें 9.7 लीटर का। एक बार भाई इसको स्टार्ट करके देखते हैं, ठीक है, और देखते हैं इसका साउंड कैसा है। तो ये हमने कर दिया क्विल स्विच ऑन, ये दिया सेल्फ, रेव करके मैं आपको एग्जॉस्ट नोट अंडर बेली एग्जॉस्ट नोट सुनाता हूँ। ऐसा जो है बेस ही आपको साउंड मिलता है 125cc के इंजन के हिसाब से, जो है ये साउंड जो भाई अभी तक मुझे बेस्ट लगा बेस मॉडल में गाड़ी। और इसके भाई अभी टॉप स्पीड की बात कर लेते हैं, इसकी जो टॉप स्पीड है दोस्तों, ये क्योंकि ये बेस मॉडल है, इसकी टॉप स्पीड आपको जो है वो 115 से 118 के बीच में मिल जाती है, जो कि राइडर को बीट कर देती है। राइडर 117 के आसपास तक राइडर भी जाती है और ये उसको बीट करके आगे निकल जाती है, मतलब कि 120 तक भी आप इसको मान सकते हैं कि 120 तक भी जाएगी। बाकी जब हम लोग चेक करेंगे तब आपको जब पूरा क्लियर जो है GoPro पे दिखा देंगे कि क्या स्पीड अचीव कर रही है। बाकी भाई इसके प्राइस की बात कर लेते हैं, तो इस गाड़ी का जो बेस मॉडल का जो प्राइस आपको पड़ रहा है 1,13,000-13,500 के आसपास पड़ेगा। बाकी आपकी सिटी पे वेरी कर सकता है, 500,000 रुपये ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। तो कैसी लगी आपको गाड़ी, कैसा लगा आपको रिव्यू, कैसी आपको लग रही है इसकी लुक, एक बार आप चेक कर लीजिए, मेरे को कमेंट करके बताइए। बाकी इसकी सीट हाइट आपको मिल जाती है 795mm की सीट हाइट मिल जाती है, मतलब कि जो कि ज़्यादा बुरी बात नहीं है, छोटा राइडर भी इसको चला लेगा। 5 गियर आपको इसमें देखने को मिलते हैं, 5 गियर के साथ में गाड़ी आती है,
और 5 गियर के साथ में 118-120 की स्पीड भाई एनफ है, माइलेज भी आपको अच्छा मिलने वाला है। ठीक है, बस ये था आज की वीडियो में, मिलता है आपको नेक्स्ट व्लॉग में नई वीडियो के साथ में। अगर बाइक अच्छी लगी हो, शॉट अच्छी लगे, वीडियो अच्छी लगे, कलर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलता है आपको नेक्स्ट व्लॉग में नई वीडियो के साथ में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।